केंद्र और राज्य सरकार यूपी के विकास में, इस क्षेत्र के विकास में जुटी है। डबल इंजन की सरकार डबल ताकत से स्थितियों को सुधार रही है, वरना 2017 से पहले, योगी जी के आने से पहले जो सरकार यहां थी उसे आपकी दिक्कतों से, गरीब की परेशानी से कोई सरोकार नहीं था। वो चाहती नहीं थी कि केंद्र की योजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश के गरीब के घर तक पहुंचे, इसलिए पहले की सरकार के समय गरीबों से जुड़े, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हर प्रोजेक्ट में यूपी में देर होती ही गई, होती ही गई, होती। भैया जी कहा करते थे कि कर्म को करुणा से जोड़ो, भरपूर करुणा से जोड़ो, लेकिन जो पहले सरकार चला रहे थे उन्होंने गरीब के दर्द की परवाह, घोटालों से जोड़ा, अपराधों से जोड़ा। यूपी के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इन लोगों की पहचान समाजवादियों की नहीं, परिवारवादी की बन गई। इन लोगों ने सिर्फ अपने परिवार का भला देश का इतना बड़ा राज्य, इतनी ज्यादा आबादी वाला राज्य होने के कारण एक समय में उत्तर प्रदेश देश के हर बड़े अभियान के लिए चुनौती मान लिया जाता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के हर बड़े मिशन की सफलता में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। बीते वर्षों में स्वच्छ भारत अभियान से लेकर कोरोना के विरुद्ध अभियान में देश ने ये लगातार अनुभव किया है। देश में प्रतिदिन औसतन सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने वाला अगर कोई राज्य है तो उस राज्य का नाम उत्तर प्रदेश है। टीबी के विरुद्ध देश की लड़ाई में भी यूपी बेहतर करने का प्रयास कर रहा है। आज जब हम हैं तो इसमें भी उत्तर प्रदेश की भूमिका की सरकार बनने का सबसे बड़ा लाभ यहां की माताओं बहनों को हुआ है। जो नए घर बने उनमें से अधिकांश की रजिस्ट्री बहनों के नाम, उनकी गरिमा की भी रक्षा हुई। उज्ज्वला का गैस कनेक्शन मिला तो उन्हें धुएं से मुक्ति मिली और अब बहनों को पानी के लिए भटकना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े, इसके लिए घर तक पाइप से पानी पहुंचाने का अभियान चल रहा है। सिर्फ 2 साल के भीतर ही उत्तर प्रदेश के 27 लाख परिवारों को शुद्ध पेयजल कनेक्शन मिला है। साथियों, केंद्र सरकार ने एक और योजना शुरू की है,
जो भविष्य में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में समृद्धि का नया द्वार खोलने वाली है। इस योजना का नाम है पीएम स्वामित्व योजना। इसके तहत गांव के घरों की घरौनी यानी घरों का मालिकाना दस्तावेज ये देने का काम शुरू किया है। गांव गांव की जमीनों की प्रॉपर्टी की ड्रोन के मिलने से अवैध कब्जे का डर तो समाप्त होगा ही, बैंकों से मदद मिलने में भी बहुत आसानी हो जाएगी। यूपी के जो युवा गांव के अपने घरों को अपनी जमीन को आधार बनाकर अपना काम शुरू करना चाहते हैं, अब उन्हें भाइयों और बहनों बीते 4.5 साल में यूपी में कानून के राज को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। 2017 से पहले जो सरकार यहां पर थी उसकी नीति थी माफिया को खुली छूट, खुली लूट। आज योगी जी के नेतृत्व में यहां माफिया माफी मांगता फिर रहा है। और सबसे ज्यादा दर्द भी इसका दर्द किसको हो रहा है। को ध्वस्त कर रही है जो गरीबों दलितों वंचितों पिछड़ों की जमीन पर बुरी नजर रखता था, अवैध कब्जा करता था। साथियों जब कानून का राज होता है तब भी तेजी से गरीब दलित शोषित वंचितों तक पहुंचता है। नई सड़कों नए रेल मार्गों नए मेडिकल कॉलेजों बिजली और पानी से जुड़े यही आज योगी जी के नेतृत्व में उनकी पूरी टीम उत्तर प्रदेश में जमीन पर उतार करके दिखा रही है। अब यूपी में औद्योगिक विकास पूर्वांचल के जिलों तक भी पहुंच रहा है। साथियों